हेलो जोहार दोस्तों, मैं हूँ संगीता। स्वागत है आप सबों का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं अटेंड करने वाली हूँ अपने एक कज़न ब्रदर की हल्दी सेरेमनी, हल्दी की रस्म। तो हल्दी की रस्म में जाने के लिए मैंने ये सिंपल सा येलो कुर्ता पहना है और यह सिंपल सा मेकअप लुक। दोस्तों, मैं पहुंच गई हूं यहां और यहां पर देख रहे हो सब लोग जो काम में बिजी हैं, सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, मंडप वगैरह बन रहा है। तो दोस्तों, मंडप कुछ इस तरह से बनता है। इसमें नेचुरल फूल पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रेफरेबली साल की टहनियां और गुलचीन का फूल। आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो है इनमें यूज नहीं किया जाता है। सो गाइस, अब हम लोग बना रहे हैं वरमाला। तो वरमाला बनाने के लिए जो है हम लोग यहाँ पे गुलचीन की फूलों, जिसको हम लोग लोकल में गुलंची फूल बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन फूलों का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। इसको हम लोग शादियों में या फिर और किसी रस्म में यूज़ करते हैं माला बनाने के लिए। तो देखो, माला बना लिए हैं और इसमें इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि जो फूल है वो बेजोड़ होने चाहिए, मतलब ओड नंबर्स में होने चाहिए। एंड गाइस, यहाँ पे देख रहे हो साल की पत्तियों को, तो इसका इस्तेमाल जो है रस्मों में पत्तल और दोना बनाने के लिए किया जाएगा। एंड यहाँ पे खास ख्याल रखना है कि यहाँ जो मिड रिब है, जो इस पत्ती का मिड रिब है, बीच का सिरा है, इसी बीच के सिरे से जो है साइड की वेंस, साइड का सिरा निकला हुआ होना चाहिए और इसी का यूज करते हैं। अदरवाइज जो इधर उधर होती है उसका यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो दोनों सिरे जो है एक बराबर से निकली है मिड रिब से। तो यहाँ पे जो देवा है, जो पूजा करते हैं, वो शुभ काम को होने से पहले जो है यहाँ पे पूजा कर ले रहे हैं। देखो गाइस, कितना प्यारा लग रहा है मंडप, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे मम्मी और भाभी भी पत्तल और दोना बनाने में हेल्प कर रही हैं। तो दोस्तों, शाम का समय हो गया है और मंडप भी सज के तैयार है। तो इस मंडप के किनारे साइड में जो है इनकी टहनियों से जो है यहाँ पे घड़े में पानी रख के यहाँ पे बांध दिया जा रहा है और यहाँ पे जो है पानी में तीर को डुबो के रखा जाएगा। तो हल्दी की रस्म के लिए मंडप में बैठाने से पहले जो है पैर धोए जा रहे हैं। गाइस, तभी जो पत्तल बनाए थे, तो इन पत्तल को यहाँ पे जाटे के ऊपर, ये जो नेचुरल मेट है उसके ऊपर रख रहे हैं। इसी पे बैठाना है और पैर भी इसी के ऊपर ही रखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मेरे कजन भाई शंकर को जो है हल्दी वगैरह लगाया जा रहा है, हल्दी का उबटन लगाया जा रहा है और उसके साथ जो बैठा है वो, उसे हम लोग लुकुचुंदी बोलते हैं, जो कि सारे प्रोसेस जो भी रस्में होता है उसके साथ देने के लिए बैठा रहता है। इसको हम लोग जो है ग्रू मेड की तरह भी समझ सकते हैं। और यहाँ दोनों को ही हल्दी वगैरह लगाया जाएगा। Thank you.
सो गाइज ये तो थी हल्दी की रस्में। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट शादी के ब्लॉग में। तो तब तक के लिए सबको बाय बाय एंड टेक केयर।